हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल ईजी बायो टीच पर लेके आई हूँ एनएमडीसी की तरफ से जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट। यहाँ पे जो हमारी रिक्रूटमेंट आई है वो बहुत सारी पोस्ट पे आई है। सबसे पहले आई है कमर्शियल के पोस्ट पे, यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 4। फिर है ये इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट में हमारे पास 1 पोस्ट है। फिर है जीओ एंड क्यूसी के लिए हमारी पोस्ट, वहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 3। माइनिंग में हमारी 56 पोस्ट हैं, सर्वे में हमारी 9 पोस्ट हैं, केमिकल में हमारी 4 पोस्ट हैं और जो सिविल है उसमें हमारे लिए 9 पोस्ट आई हैं। इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे 44 पोस्ट हैं, आईई में यहाँ पे 3 पोस्ट है और मैकेनिकल में हमारे पास 20 पोस्ट हैं। अब हम देखते हैं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले कमर्शियल में वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इंजीनियरिंग में डिग्री है या फिर उन्होंने क्या कर रखी है, ग्रेजुएट कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एमबीए के साथ और पीजी डिग्री के साथ, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर उनके पास अगर डिप्लोमा है मार्केटिंग में, फॉरेन ट्रेड में, सेल्स मैनेजमेंट में और ग्रेजुएट विद सीए और आईसीएम में, ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट की पोस्ट। इन्वायरमेंट में या तो हमारे पास डिग्री हो सिविल में, केमिकल में, माइनिंग में, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में और पीजी डिग्री हो हमारे पास किस में, इन्वायरमेंटल में, मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में और इन्वायरमेंटल साइंस और जियोलॉजी से, बॉटनी या फिर केमिस्ट्री से, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और पीजी डिग्री, डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट 2 ईयर ड्यूरेशन और डॉक्टरेट इन इन्वायरमेंट स्टडीज़ इम्पैक्ट असेसमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। अगर किसी ने इन्वायरमेंट स्टडीज़ से पीएचडी कर रखी है वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इस किसी के पास 2 साल के ड्यूरेशन वाला इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा है तो वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी है जियो की पोस्ट। यहाँ पे जो एमएससी एमटेक है, जिन्होंने एमएससी कर रखी है जियोलॉजी से, एमटेक कर रखी है जियोलॉजी से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट आई है वो माइनिंग की पोस्ट आई है। यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और विद 4 महीने सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू ओपन कास्ट मेटेलीफेरस माइन हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और यहाँ पे जो सेकंड क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसी से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मिनिमम है वो 5 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है वो है सर्वे की। यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग के अंदर और डिप्लोमा होना चाहिए माइंस और माइन सर्वेइंग के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। नेक्स्ट है हमारी केमिकल की वैकेंसी। यहाँ पे जो एमएससी है वो केमिस्ट्री से होनी चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए हमारे पास किसी केमिकल इंजीनियरिंग से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी सिविल की पोस्ट। यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर और डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 5 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस के अंदर, जैसे कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, कन्वेयर, गैलरी स्ट्रक्चर्स, मल्टी स्टोरेड, इनके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन। जो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन है वहाँ पे हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र है उसके हमारे पास क्या होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का मिनिमम हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि HTLT सिस्टम इंस्टॉलेशन, बिल्डिंग इंक्लूडिंग ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस, सर्किट ब्रेकर्स, इनके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, रिपेयरिंग के अंदर इनके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए।
फिर है हमारी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, यहाँ पे जो डिग्री है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और डिग्री इन माइनिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद पीजी डिग्री हमारे पास होनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल की पोस्ट में बोला गया है यहाँ पे हमारे पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे हमारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑपरेशन ऑफ हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, जैसे कि डीजल इलेक्ट्रिकल सोवर डंपर्स डोजर्स ड्रिल्स एंड प्लांट मशीनरी के अंदर। अब हमारा जो यहाँ पे बोला गया है जो मैक्सिमम एज है वो 32 ईयर्स है, और यहाँ पे जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और जो एक्स सर्विसमैन है और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग क्या है रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अब हमारा यहाँ पे स्टाइफंड कितना रहने वाला है, तो जो पहले 12 महीने होंगे उसमें हमारा स्टाइफंड 37,000 रुपये रहेगा, और फिर रिमेनिंग के जो हमारे 6 महीने बचेंगे उसके अंदर हमें 38,000 रुपये मिलेंगे। टोटल हमारा जो कंप्लीशन टाइम है ट्रेनिंग का उसके अंदर जो हमारा टोटल जो सैलरी बनेगी वो 37,000 से लेके 1,30,000 तक हमारी होगी। ये हमारा था स्टाइफंड। डिग्री होल्डर्स के लिए 12 मंथ्स की है और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 18 महीने की है ट्रेनिंग का पीरियड। पहले 12 महीने में हमें 37,000 रुपये मिलेंगे और उसके बाद हमें रिमेनिंग 6 मंथ्स में 38,000 रुपये यहाँ पे मिलेंगे। फिर हम देखते हैं हम नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट आई हैं। तो जो कमर्शियल हैं वहाँ पे हमारी 4 पोस्ट थी, तो यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए 1 है और UR के लिए 2 हैं। इन्वायरमेंट के अंदर 1 पोस्ट थी वो UR कैटेगरी के लिए है। GO के अंदर 3 पोस्ट थी, यहाँ पे ST में 1 है, OBC में 1 है और UR में 1 है। माइनिंग में टोटल हमारी 56 पोस्ट थी, तो यहाँ पे SC में 9 पोस्ट हैं, ST में 4 पोस्ट हैं, OBC में 15 पोस्ट हैं, EWS में 6 पोस्ट हैं और UR के लिए 22 पोस्ट हैं। सर्वे में टोटल 9 पोस्ट थी, तो SC में 1 पोस्ट है, OBC में 3 पोस्ट हैं, EWS में 1 पोस्ट है और UR में 4 पोस्ट हैं। केमिकल में टोटल 4 पोस्ट थी, SC में 1 है, ST में 1 है, OBC में 1 है और UR में 1 है। सिविल में 9 पोस्ट थी, तो यहाँ पे SC में 1 है, OBC में 2 हैं और UR के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल में 44 पोस्ट हैं टोटल, तो SC के लिए 8 पोस्ट हैं, ST के लिए 4 हैं, OBC के लिए 12 हैं, EWS के लिए 5 हैं और UR के लिए 15 पोस्ट हैं। IE में 3 पोस्ट हैं जो कि OBC के लिए 1 पोस्ट है और UR के लिए 2 पोस्ट हैं। मैकेनिकल में टोटल नंबर ऑफ 20 पोस्ट हैं, यहाँ पे SC के लिए 3 पोस्ट हैं, ST के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 5 पोस्ट हैं, EWS के लिए 2 पोस्ट हैं और UR के लिए 9 पोस्ट हैं। इसका जो टोटल जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको कम्प्लीटली रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखना है कि हम इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जो लिंक है वो 21 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक हमारा क्या रहेगा, एक्टिवेट रहेगा। सबसे पहले हमें जो साइट है ऑफिशियल साइट वहाँ पे विजिट करना है, फिर हमें साइट देखनी है और साइट पे जाके हमें वहाँ पे क्या मिलेंगे, लिंक मिलेंगे। लिंक के बाद हमें वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम सिर्फ 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारा यहाँ पे फीस है वो हमारी है 250 रुपये, यहाँ पे हमें फॉर्म के लिए 250 रुपये पे करने रहेंगे। ये जो हमारी फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, मतलब ये हमें वापस नहीं मिलेगी। उसके बाद हमें बोला गया है जो फीस है उसको हम नेट बैंकिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पे कर सकते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट है उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो हैं सॉफ्ट कॉपी उनकी होनी चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट साइज, रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट इन स्पोर्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कास्ट की कैटेगरी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए,
और यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए, उनकी क्या होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। अब जो कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे, जब वो अप्लाई कर दे तो उनको हार्ड कॉपी वहाँ पे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उनको सिर्फ जो सॉफ्ट कॉपी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो क्या करनी है वहाँ पे फिल करना है, जो फॉर्म है वो कंप्लीट उनको फिल करके देना है और उसके साथ क्या करनी है अटैच कर देनी है। अब हमारा मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या है, यहाँ पे हमारा जो मोड ऑफ़ सिलेक्शन है, सबसे पहले हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद हमारा सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट हमारा 100 मार्क्स का होगा, और जो ये सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट है ये हमारा क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो लैंग्वेज है ऑनलाइन टेस्ट की वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे SC ST PWD कैंडिडेट को यहाँ पे 40 मार्क्स चाहिए ऑनलाइन जो टेस्ट है हमारा उसके लिए, OBC को 45 मार्क्स चाहिए और UR और EWS को 50 मार्क्स चाहिए। जो सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट है उसके अंदर टोटल आउट ऑफ 100 में से जो UR EWS कैंडिडेट है उनको 40 मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स लेने हैं, OBC को 37% लेने हैं और SC ST PWD को यहाँ पे 30% मार्क्स लेने हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि कौन से कैसे उनका सिलेक्शन होगा, किस बेसिस पे सिलेक्शन वो करेंगे। हमने यहाँ पे देखी कंप्लीट डिटेल्स, फीस का क्राइटेरिया देखा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखी, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है वो देखा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।